परमिशन कैंसिल कर रहे हैं। उन अधिकारियों से कहना चाहूंगा ये लोकतंत्र है, और अगर देखना हो तो मैं क्रिकेट बहुत देखता हूं। आप देखते नहीं देखते तो नाम हारे देखते ना, इंडिया हार सकते हैं। मैं क्रिकेट बहुत देखता हूं। मुझसे एक पत्रकार ने सुबह पूछा था, एक तरफ बड़े बड़े धरना सेंटर भी भारत वाली पार्टियां, एक तरफ मोदी की सरकार, कैसे लड़ोगे धरना सेंटर? मैंने कहा ऐसे रहेंगे जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ा, जैसे अफगानिस्तान इंग्लैंड से लड़ा, जैसे नीदरलैंड न्यूजीलैंड से लड़ा, और ऐसे रहेंगे जैसे भारतीय टीम विरोधी होकर लड़ रही है। और छोड़ेंगे नहीं, जब तक सत्ता का एक भवन तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम भी ऐसे मतवाले हैं कि रुकेंगे नहीं। सबसे पहले तो मैं आपसे खेत प्रकट करता हूं कि मुझे आने में बहुत देर हो। आयोजक साथियों ने बहुत मेहनत की थी, आयोजक साथियों ने बहुत हिम्मत जुटाई, और मेरे अच्छी तरह याद है जब मैंने 3 बजे करीब जानकारी ली थी तो ये पूरी पूरे ग्राउंड में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हमारे लोगों ने इसको भरा ना हो। लेकिन क्योंकि जब आप किसी सफर को पार करते हो कई तरह की मुसीबतें आपके सामने आती हैं। जब हमने 29 तारीख की रैली दी थी तब हमें नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश की रैली के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, अचानक से चुनाव डिक्लेयर हुआ। और 29 तारीख में ही हमारे गठबंधन के साथियों ने एक रैली जयपुर में रख ली। अब मेरे पास ये रास्ता था कि पहले मैं यहां आऊं या जयपुर जाऊं। आप तो इस बात को जानते हैं कि अभी मैं कुछ दिन पहले गोरखपुर आया था, जब भी आपने मुझे बुलाया मैं आपके बीच आया। लेकिन जयपुर के साथियों की उम्मीदें थी कि वहां इलेक्शन है, आप वहां रैली में सदा दें। मैंने भरसक प्रयास किया, तमाम साधन संसाधन लगाए और बहुत मेहनत करके मैं वहां से 4 बजे एयरपोर्ट आ गया कि किसी भी देर तक 6 बजे तक आपके बीच चलाऊंगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जयपुर एयरपोर्ट अडानी जी के पास है, और आप जानते हैं अडानी जी मुझसे कितना प्यार करते हैं, अडानी जी के मित्र मुझसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने एक नया टैक्स लगाया है कि जो भी व्यक्ति उड़ेगा उसको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। हमने पैसे भी जमा करा दिए, उसके बाद में उन्होंने क्लियरेंस नहीं की। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे वहां प्लेन में बिठा के रखा, 1.5 घंटे बाद वो जानते थे कि आज फूलपुर की धरती में आपने जो शराब किया है जब उसकी तस्वीरें जाएंगी तो स्थापित दलों की नींवें हिल जाएंगी, बहुत सारे लोगों की नींद हराम हो जाएगी। जो अपने आप को इस प्रदेश का नेता कहते हैं उनकी रातों की नींदें उड़ जाएगी। इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र करके मुझे रोका गया, और मेरे साथी निराश हुए थे। मैंने उनसे कहा निराश मत हो, ऐ उत्तर प्रदेश के मेरे बहादुर सिपाहियों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, निराश मत हो, कोई मतलब नहीं बनता निराश होने का। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं 25 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा, मैं आपको वचन देकर कह रहा हूं मैं दिसंबर के महीने में फिर लौटूंगा आपके बीच। और मैं और बात आपसे कर रहा हूं, अपने नेताओं से भी कर रहा हूं, वो बहुत मेहनत करते हैं कि यहां 2024 का उत्तर पूरे देश में लोकसभा का चुनाव खत्म होगा। मैंने भी अभी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव उनको बताया चौधरी साहब को कि पूरे 3 साल कोई गांव कोई कस्बा कोई शहर कोई तहसील कोई जिला नहीं बचेगा। चप्पलों से इस पूरे प्रदेश को हम लोग घूम घूम के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई एक दिन की नहीं है मेरे साथियों, एक दिन में कोई परिवर्तन होगा भी नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, गौर करो, आपने पूरे दिन मेरा इंतजार किया, आप भूखे प्यास में यहां बैठे हो। मैं धन्यवाद करूंगा हमारी माओ बहनों पर वहां बैठी है, और आपको तो नौजवानों में तो दोष है, लेकिन मैं उनके हौसले की दाद देता हूं। यही लगभग समय था सोलगढ़ में कि 2.5 बजे मेरे इंतजार में थे, और मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपके आगे सोलगढ़ से यात्रा लेकर गया था, संविधान बचाव यात्रा। फिर मैं पूरे मध्य प्रदेश राजस्थान में गया, मैंने देखा कि रात को 1-1 बजे लोग इंतजार कर रहे थे, 1-1 बजे लोग इस उम्मीद से खड़े थे कि चंद्रशेखर आजाद आएंगे और हमें रास्ता दिखाएंगे। मैं आपको भी ये कहने के लिए आया हूं, ये वो धरती है जिसमें
पूरे देश को रास्ता दिखाया। आजमगढ़, फूलपुर, लालगंज, ये वो धरती है जिसने पूरे देश को बहुजन समाज के आंदोलन को रास्ता दिखाया। मगर मुझे आपसे कहना, आप मेरे नौजवान भाइयों की संख्या ज्यादा है, जब राजतंत्र था देश में तब राजा महाराजा उनके जो मंत्री थे वो बैठ के निर्णय लेते थे कि जनता पे किस तरह से राज करना। हमारे महापुरुषों के संघर्ष के कारण इस देश में लोकतंत्र आया। लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता द्वारा जनता का शासन, सरकार को चुनने का। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब राजा पैदा करने की ताकत आपके वोट में है। इस वजह से अगर राजतंत्र में हमें दूसरे संचालित करते थे मैं समझ सकता था, लेकिन लोकतंत्र में भी हमारे ऊपर दूसरे लोग राज करें तो ये बड़े सोचने का विषय है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं या फिर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये आपको जानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी और जो आज मैं कह रहा हूं तनखे की चोट पे गया, वो दलित सम्मेलन कर रहे हैं। चुनाव आ गया है, दलित सम्मेलन कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है। और जब वो दलित सम्मेलन कर रहे हैं, मैंने परसों पूछा मेरठ में एक दलित समाज के व्यक्ति को मारकर एक अपराधी ने लटका दिया और पुलिस को फोन करके कहा कि मारकर लटका दिया, नाम ले जाओ। मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी आप ये बताओ अपने सम्मेलन में कि हमारी ऐसी सरकार है उत्तर प्रदेश में जहां दलितों पर मार के लटकाया जाता है, इसलिए हम दलित सम्मेलन कर रहे हैं। और दलितों को यह बात बताओ कि किस तरह दलित परिवार के बच्चे मुख्यमंत्री जी की इंतजार दे रहे हैं। जब अभी एक घटना घटी थी यही आपके पड़ोसी जिले में, तो मुख्यमंत्री ने परिवार के दुख का संज्ञान लिया और मैंने भी राष्ट्रपति जी को भेजा था उस परिवार से मिलने के लिए। मैं सोच रहा था कि मुख्यमंत्री दलितों की भी खबर लेंगे, मुख्यमंत्री दलितों के भी घर जाएंगे, मुख्यमंत्री दलितों का भी डर सुनेंगे, लेकिन मैं निराश हुआ कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और दलितों को मार के लटका दिया गया। उसके बाद आज मैंने अखबार को पढ़ा, हमारे साथियों ने भेजा कि कानपुर में उन्होंने दलित सम्मेलन किया और भगवान बुद्ध की तस्वीर उनके साथियों को दे रहे हैं। और मैंने अखबार में यह भी पढ़ा कि इस बार मंच पर कोई नहीं बोला था, दलित समाज के लोग बोले, मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने आए वो भी दलित समाज के लोग थे जो उनकी पार्टी में नेता है। यही अगर वो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग अपने गांव में कार्यक्रम करते हैं तो पुलिस के लोग आके इनको सरकार के नेताओं के सारे पर पीटने का काम करते हैं। बाबा अम्बेडकर भगवान बुद्ध की मूर्ति को फेंक देते हैं और इनके ऊपर झूठे मुकदमे लिख देते हैं। वही मुख्यमंत्री भगवान बुद्ध की तस्वीर को हाथ में लेके खड़े थे। मुझे बड़ी ऐसे राजनीति क्या नहीं करवाती। एक तरफ पूरी सरकार आए सर भाजपा के लोग भगवान बुद्ध के अनुयायियों को, बाबा साहब के अनुयायियों को उनकी खान पीने में हुए हैं और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री भगवान बुद्ध की तस्वीर ले रहे हैं। राजनीति क्या क्या रंग दिखाती है। इसलिए मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूं कि एक पार्टी जिसका आपने वोट देकर सीधा हमारे नेता भी सुने, आज उस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर दे दिया है कि जाओ दलितों को जाकर टुकड़ा करो, जाओ पिछड़ों को जाकर टुकड़ा करो, जाओ उनको जाके उनकी वोट को लूटने का प्रयास करो। अब हम तुम्हें बार बार दे रहे हैं कि दलितों का किस तरह जाकर बेवकूफ बनाओ। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं, कोई आकर किसी उत्तर प्रदेश में नहीं बचा। अगर उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े और मुसलमान और जैन सिख बौद्ध का कोई विदेशी है तो वो भिलाई है और आजाद समाज पार्टी ये बताने के लिए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी महिला नेता भी मैंने पीछे मुख्य देखा बैठी, मैं पुलिस के साथियों का धन्यवाद दूंगा कि वो इतने लंबे समय तक टिके हुए। मुझे निराश हुआ, मैंने जिलाधिकारी से कहा था कि मुझे हेलीकॉप्टर की परमिशन दे दो, मेरी मजबूरी है, इमरजेंसी का प्रोग्राम है, मेरे लोग मेरा इंतजार करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी हम लोग कमजोर, और मैं ये भी समझता हूं कि अगर लोकतंत्र में शोषण उसी के ऊपर होगा जिसके बाद राजनीतिक ताकत नहीं होगी। शोषण हमेशा कमजोर में होता है, कभी ताकतवर नहीं होता। आज चाहे हमारे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, तमाम लोग परेशान है, शोषण कमजोर में होता है। शोषण कमजोर हम अपनी वजह से है, ये लोकतंत्र है, यहां जिसका वोट होगा उसका राज होगा, वोट हमारे पास है लेकिन वोट संगठित नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुजन से बहुमत बनाना है और जन से जनमत बनाना है और हर हाथ सताए हुए व्यक्ति को जोड़ के उसका हाथ पकड़ के उसको विश्वास दिलाना है।
कि वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश में दोबारा से खुशहाली आएगी, जब उत्तर प्रदेश के लोग दोबारा से चैन की सांस लेंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, समान तरह से जो शोषण होगा जो बंद होगा, समान तरह जो गैर बराबरी होगी बंद होगा, जाति धर्म के नाम पे जो हिंसा की जा रही है कमजोर लोग साथ वो बंद होगी। सामान्य साथियों मेरी बात पे जोर पर, अभी अभी बिहार में जाति का जनगणना हुई, जब बिहार में जाति का जनगणना हुई तो जाति के जनगणना के बाद आंकड़े जारी हुए, आपने देखे जनगणना के आंकड़े कहते हैं कि बिहार में 90% आबादी SC ST और OBC माइनोरिटी के लोग, देखा है नहीं देखा बताओ मेरे दोस्त। मैंने एक सवाल पूछा कि जब 90% आबादी दलित पिछड़े आदिवासी और मुसलमानों की है, JMC बौद्धों की है, तो जब इस देश में गौर करना कि पहले तुम्हें तुम्हारा अपना नेता बताकर उन्होंने लूटने काम किया, जब इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण आया 10%, तो वही नेता जो आपकी वोट देकर ताकत बनाए उन्होंने क्या कहा कि हमको ज्यादा देगी 20% आरक्षण मिलना चाहिए, जिनकी आबादी 10% है उनको 10% आरक्षण मिला था, उनका बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसे रोजगार की व्यवस्था हो गई है, हमारे दलित आदिवासी मुसलमान सड़क की खान छान रहे, वो नेता आपका नेता कैसे हो सकते हैं जब आप अंबेडकर के संविधान का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण शैक्षिक पिछड़ापन और जो प्रतिनिधित्व है जो ग्रामीण का अधिकार जो है उसके आधार पर है, जो सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन जैसा आधार है और जो प्रतिकूल प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन यहाँ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया और हमारे नेता तमाशा देखते रहे। अभी कहा गया कि उन्होंने रिजर्वेशन भी लाया, छोटा छोटा विरोध करके नेताओं ने कहा कि वे लोग समर्थन कर रहे हैं लेकिन इसमें पिछड़े और दलित वर्ग की महिलाओं को अच्छा रहता। मैं ये कहना चाहता हूं आज सदन में इन लोगों की वोट लेके ये कहने के गए हो कि हम विरोध कर हम इसमें चाहते थे, अगर आप वास्तविक में समाज के सच्चे नेता होते तो आप बन जाते, जैसे याद है एक समय था कि मुलायम सिंह यादव लालू यादव आज थे मौजूद लोकसभा में, सब यादव मौजूद थे, रामदास पासवान मौजूद थे और उन्होंने कह दिया अगर रूरल रिजर्वेशन बिना दर्द पिछड़े आदिवासी मुस्लिम समाज की महिलाओं को मिला आएगा तो ये हमारे लाभ के ऊपर से आएगा। मैं धन्यवाद देता हूं नेताओं को जिन्होंने उस समय निर्णय लिया, आज के नेताओं को मैं धन्यवाद नहीं दूंगा, आपने तो धोखा दिया, आपने एक तरफ छोटा सा विरोध किया फिर पार्लियामेंट में उनको वोट दिया। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक मिलेगा कैसे, ये बात तो मानो कांतिराम साहब 35 साल पहले कह रहे थे जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपने कहा कि सचिवालय में दलित पिछड़े नहीं, आपने कहा कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दलित पिछड़े नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सच बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपने कितने विधायक से, आपने कितने लोगों को बनाया, आपने कितने लोगों को अवसर दिया, और जो आज आप बात कर रहे हैं उसको मैंने कांतिराम साहब 35 साल पहले कह रहे थे, तब आपको मुझे समझ आया कि भाई इन वर्गों को भी लोकतंत्र में अवसर मिलना चाहिए। मैं आपको गौर करने के लिए ले जाता हूं पीछे, 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के गुलाम था भारत, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन 14 तारीख को उसकी जेल में जो पैसा था, 15 तारीख को उसकी जेल में वही पैसा था, 14 तारीख को जिसके पास जो जमीन थी वो एक गज थी एक बीघा थी, 15 तारीख को भी वही जमीन थी, 16 तारीख को भी वही जमीन थी, 17 तारीख को भी वही जमीन थी। मेरी बात का कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी के तौर पर कहा कि अब हम 26 जनवरी को विरोधाभास की जिंदगी में खड़ा कर रहे हैं, इससे राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में बराबरी आने का प्रयास होगा, लेकिन क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन है, सामाजिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, हम लोग उसमें कोई ऐसा जो है तैयारी नहीं कर रहे कि दूर हो जाए, तो अंत राजनीतिक लोकतंत्र तो आएगा लेकिन सही राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में नहीं बदल पाएगा और आने वाले समय में ये लोकतंत्र खतरा साबित हो जाएगा, लोगों को जिसका मूल फायदा मिलना है वो नहीं मिलेगा। ये होगा जब आपको वोट का अधिकार मिला तो जैसे वोट के अधिकार के बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, डॉक्टर फरीदी और उनके तमाम साथी और उस समय के जो नेता थे वो प्रयास करते समय समय पर कि ये लड़ाई आगे बढ़े, उस तरह से विरोधी भी प्रयास कर रहा था, उन्होंने कहा वोट इनके पास है नोट हमारे पास है, इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे, ये लंबे समय चला, अगर इसको मैं तोड़ पाया तो मैंने और कांतिराम साहब तोड़ पाए, जब उन्होंने गली गली जाकर लोगों को कहना शुरू किया कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की रक्षा दी और समाज में लड़ाई समाज खड़ा हुआ तैयार हुआ, फिर ऐसा हुआ
कि गरीबों के बेटों को नकार कर अमीर लोगों को फिर से जो है कुर्सी देनी शुरू कर दी। और मैं इशारे के तौर पर कह रहा हूं, आप समझदार लोग हैं, जो बात मैंने भी आपसे कही मैं उसको जोड़ के कह रहा हूं कि 2006 से पहले माननीय काशीराम साहब ने जो नारे दिए, आप गोल करना बहुजन समाज की सफाई है, ये हमारे जो समान नेता जो नेतृत्व करते हैं, जो नारे माननीय काशीराम साहब ने दिए जिसकी संख्या बारे उसकी हिस्सेदारी, आज उस नारे को कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने अपने शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन जो जिनको काशीराम साहब विरासत दे गए उन्होंने 2 महीने में बदल के रख दिया, उन्होंने बहुमत से स्वर्णन कर दिया, उन्होंने हाथी से गणेश कर दिया, धर्म मानव कर दिया, उन्होंने अपने स्वर्ग में इस महापुरुषों के सम्मान को कमजोर करने का काम किया। आज ये सोचो देश की वो पार्टी जिसने 50 साल राज किया हो आज वो माननीय काशीराम साहब के नारों को दूसरे शब्दों में कह रही है। अगर हमारे लोगों ने विश्वासघात ना किया होता तो आज ये दलित किसान मुसलमान आदिवासी इकट्ठा होते इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राज कर रहा होता और कोई इनके पान खाने नहीं देखता। और कांग्रेस भागे पंचायत के हर प्रदेश में और स्पेशली उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जाति धर्म देकर चलता है। रोज अखबार पढ़ो कहीं जिले में के रेप हत्या बता उन दोनों की हत्या की गई बोल रहा था। उनके बच्चे आंदोलन धरने में बैठ गए। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य उनके घर आए और उनसे वादा किया कि 25,000 रुपए की मदद करेंगे और पुलिस ने भी वादा किया कि एक हफ्ते में खोलने घटना बच्चों को बाहर होने से उठा। आज तक उस घटना में कोई कार्रवाई नहीं, ये पुलिस व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में चल रही और मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री द्वारा नहीं प्रसाद मौर्य परिवार से कि कहा किस हालात में रोटी मिल रही मिल रही है, कपड़े है या नहीं है, खाने को उनके पति बचाने गए उनको पीटा गया हॉस्पिटल में है। और न्याय के नाम पे जो न्याय जनता अधिकार है आपको सरकार देगा न्याय के नाम पे उस परिवार का मजाक उड़ाएगा। फिर ये नेता ये विधायक ये मंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री किसके लिए? अरे ये गरीबों को न्याय भी नहीं दिला सकते। मैं पुलिस के साथियों की मजबूरी समझता पुलिस सरकार की वो मजबूर कुछ अच्छा करने जाए तो कुछ अच्छा कर दे तो सस्पेंड हो जाते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं लाइव हाजिर हो जाते हैं। और अगर अच्छा करने का नेता और हिसाब से काम ना करें जो सरकार के नेता है तो नेता जी मारपीट भी कर देते हैं। अभी मैंने देखा 2 दिन पहले एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को पीटा गया। अगर वो कोई अधिकारी ईमानदार से काम कर रहा है तो उनका मनोबल तोड़ रहे हो। ये वर्दी वाले लोग सुरक्षा का काम करते हैं जनता के इनका मनोबल तोड़ रहे हो किस लिए? अपने चंद नेताओं को सुनने के लिए इसका प्रभाव समझते हो? आप जनता को क्या कर रहा है? जब पुलिस की नौकरी वाले को देख लेता है गरीब आदमी तो कहीं ना कहीं महसूस करता है कि ये मुझे न्याय दिया है। लेकिन आज वो पुलिस बेबस हो गई है प्रदेश आज वो पुलिस खुद अपमानित हो गई। आज उस पुलिस को बुलाया जा रहा है और तमाम तरह से प्रयास किया जा रहा है कि ये उनके हिसाब से काम करे। मैं पुलिस के साथियों को उनकी मजबूरी समझते चाहूंगा कि कोई भी क्योंकि आप वो संविधान की वजह से आपकी मेहनत की वजह से नौकरी मिली कोशिश करना किसी नेता के सारे ऐसा कोई काम मत करना कि गरीबों की हाय गरीबों की बद आए आपको लग जाए। आज हालात उत्तर प्रदेश में खराब आज हालात उत्तर प्रदेश में खराब है। मैं मेरा कोई बदले का प्रस्ताव कहीं नहीं मैं खुद को पाने वाला व्यक्ति मैं विदेशी से बदला चाहता ही नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि जिस तरह ताकतवर लोग सम्मान का जीवन जी रहे इस तरह गरीब परिवारों को भी सम्मान का जीवन मिले इनके बच्चों को भी रोजगार मिले इनके बच्चों को भी आगे पढ़ाई करके पढ़ने का मौका मिले इनके लोगों को भी अच्छा इलाज मिले इनको भी जमीन मिले इनको भी स्वाभिमान सम्मान से जीने का मौका मिले इनकी भी हिस्सेदारी हो और ये भी आगे बढ़कर विधानसभा लोकसभा में जाके अपने क्षेत्रों के लिए कुछ कर सके अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। और ये हिस्सेदारी का मामला है। लेकिन मुझे ये भी समझ में आया सामान्य प्रदेश अध्यक्ष जी की हिस्सेदारी मांगने से नहीं इतनी जन की तैयारी करनी पड़ती मेरी मजबूरी है
क्योंकि जब एक गरीब का बेटा आपके करने के लिए निकलता है तो पहले उसका खूब मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसका विरोध किया जाता है, फिर उसके नाम में कांटे बिछाए जाते हैं, और फिर एक समय आता है जब वो संकल्पित होकर अपने मिशन पे आगे बढ़ जाता है, जब उसको रोक पाना नामुश्किल हो और नामुमकिन हो जाए तो फिर उसका साथ दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप निराश मत होइए, मैं आपकी ताकत को जानता हूं, मैं आपकी हिम्मत को जानता हूं। कोई देता हर उत्तर प्रदेश में देश में जिसके लिए रोज रात को 10 बजे तक बैठे कहते मैंने कहा कि तुम्हारे बीच से कोई विरोधी मुझे गोली मार सकता है, मैंने देखा किस तरह से तुम्हारे अंदर बेचैनी हुई और तुम खुद डिसाइड करे, और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये प्यार पैसे से नहीं मिलता है, ये प्यार संघर्ष से मिलता है। मैं यहां भले ही बोल रहा हूं, कि धरती पर लेकिन दुनिया में हमारे हमसे प्यार करने वाले हमारे साथी, क्योंकि आज सोशल मीडिया का युग है, मैं यहां वो लाइव के माध्यम से दुनिया के मुझे सुन रहे होंगे। अभी सिंगापुर के हमारे साथी मुझसे आते हुए बात कर रहे थे, उनका नाम सोएब, उससे कह रहे थे कि भाई हम जैसे भी हैं ना हम आपके साथ। तो मैंने उनसे कहा कि आपने देखा कि चाहे वो भारत में जुर्म हो या भारत से बाहर कहीं भी हो, जब भी किसी कमजोर को सताया जाएगा, मैं आपको जानकारी के तौर पर बता रहा हूं कि जब इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ अन्याय किया तो विदेश पॉलिसी को बेवकूफ बनाते हुए हमारे देश के नेता इजराइल का समर्थन करने लगे। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में बैठे लोग मुझे सुनते हैं, आपने देखा क्या हाल किया इजराइल में, छोटे छोटे बच्चे। मैं किसी आतंकवादी अपराधी का समर्थन नहीं करता, लेकिन सत्ता एक भूख होती है, अपनी भूख के चक्कर में जमीन को पहुंचाने के चक्कर में क्या कह जाए, क्या खेल खेला गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ। इसलिए मैंने कहा था विनोद से कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, चाहे कुछ हो जाए मैं हर एक कमजोर के साथ हूं, उसके मैंने उसकी बात कही थी। और फिर क्या हुआ, फिर आपने देखा क्या हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के लिए मदद कही, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक समझ नहीं पाए कि जो 2 दिन पहले इजराइल का समर्थन कर रहे थे वो फिलिस्तीन को मदद दे रहे हैं, फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े हुए हैं, इजराइल के खिलाफ खड़े हुए। इसका कारण यह है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ये सारी विदेशी पॉलिसी खराब कर रहे हैं। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर से कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी ताकत को समझता हूं, आप भारत के प्राइम मिनिस्टर, चलिएगा चाइना बॉर्डर इधर, चंद्रशेखर आजाद आपके मिशन है, चलिए हम चाइना बॉर्डर, हमारी कई छोटी है जमीन पर जारी, हमें एक गज जमीन अपनी मिट्टी किसी को नहीं देंगे, हम अपनी मिट्टी का अपने देश का एक गज हिस्सा किसी को दुश्मन को नहीं देंगे। आप चलिएगा चाइना की तरफ, भारत के वीरों में बहुत छोटा है, और अब तो हिमालय के लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे जब आप चाइना की तरफ याद रहे हो अपने से कमजोर से। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं सार के तौर पर कि आपको याद रहे कि चाहे अन्याय करने वाला आपका अपना हो या कोई गैर हो, कभी अन्याय करने वाले के साथ नहीं खड़ा होना, मेरे लोग हमेशा उसके साथ खड़ा होना जो परेशान है, जिसके ऊपर मुसीबत है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो मजलूम है, हम उसके साथ खड़े होना। और मैं ठगे हुए लोगों से कह रहा जो ठगे हुए हर बार, बीजेपी हराओ बीजेपी जिताओ, बीजेपी को हराना इनको ले आओ। अगर आज कोई बीजेपी का मुकाबला पूरे देश में कर रहा है तो ये नीले पट्टे वाले लोग, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। अब मैं राजस्थान में था, नेताओं के यहां 4 बजे ईडी वाले बैठे थे, मैं दिल्ली में था 6 बजे ईडी वाले बैठे थे, मैं उनको बुलाता रहता कि आओ किसी हमारे साथ भी बैठ के चाहेंगे, लेकिन वो जानते हैं वो मुकाबला नहीं कर सकते गरीबों का, ईमानदार लोगों का, वो जानते हैं
कि इनके खिलाफ तो झूठी बातें फैला जाऊंगी, अभी ये कमजोर है, अभी ये लापरवाह है, अभी ये जिम्मेदार नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे मीडिया के लोग जो रात को 10:15 बजे काम पे खड़े हुए आप सुन रहे होंगे, वो गैर जिम्मेदार है? जिनको ये कहा जाता है कि नौजवान है, नौजवान को समझते क्या होता है? नौजवान वो है कि संघर्षों के साय में खंडोर जमानी पड़ती है। और इतिहास पर समझाता है जिसको और जमानी चलती है। नौजवान वो है जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। 23 साल के थे शहीद आजम भगत सिंह जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी की सजा कबूल की। आप समझते हो, अपनी मिट्टी के लिए मर जाना, अपने देश के लिए शहादत देना, व्यक्तिगत लड़ाई कोई भी लड़ सकता है, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुर्बान हो जाना, ये जज्बा भारत की भक्ति में है। ये ऐसी पाक भक्ति है, ये ऐसी भविष्य भक्ति है जहां का एक एक बाद और हजारों हजारों में भारी पड़ता है। ये ऐसी धरती है। आज तो हाल ऐसे है कि जो इस मिट्टी को 5 बार सजदा करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनसे सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं देश के प्रति ईमानदार होने के। जो अपने ईश्वर को याद करने से पहले, अपने खुदा को याद करने से पहले 5 बार सजदे में इस देश की मिट्टी को सलाम करते हैं, उनसे सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। लेकिन जो देश को नफरत में बांध रहे हैं, जो देश को कल पूंजीपतियों को सौंप रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता। जो पूंजीपति मित्रों के हजारों हजारों करोड़ रुपए माफ करते हैं, जो गरीबों के 10,000 रुपए उनकी खाद खींचने का काम करते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों, आजाद हो चुका हूं, आपको अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी है, कोई आपको सहारा नहीं देगा। इसलिए इशारे के तौर पर कह रहा हूं कि जाओ गली गांव में और मेहनत करके लोगों को जुट रहे हो। आप देख लो कि लोग किस तरह से आपसे संबंध रखते हैं। चुनाव आएगा तो सब आएंगे। मेरी जगह होता कोई नेता तो कहता है यार उनसे कह दू मैं आ नहीं पा रहा, लेकिन मेरा दिल नहीं मान। मैंने कहा और 2 घंटे भूखे रहेंगे, लेकिन चलेंगे अपने लोगों के बीच, छोड़ेंगे नहीं। जब वो मेरे लिए पूरे दिन से बैठे हो सकते हैं तो मेरी क्या हिम्मत की मन के बीच ना जाओ। मैं वादा करता हूं कि दिसंबर के माह में लौटूंगा और मैं आपसे भी मांगे हजार समाज पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, समय किसी का इंतजार नहीं करता, रुकेगा नहीं। से मेहनत कर, समाज इंतजार कर रहा है कोविड को बुलाने आए। समाज कोई बिकाऊ नहीं, समाज कभी कमजोर नहीं था। ये लोकतंत्र जिनका वोट होगा उनका राज भी स्थापित होगा, कोई रोक नहीं सकता। मेहनत करो। और जो लोग आज में कमजोर समझ के हमारे परमिशन कैंसिल कर रहे हैं, उन अधिकारियों से कहना चाहूंगा ये लोकतंत्र है। और अगर देखना हो तो मैं क्रिकेट बहुत देखता हूं, आप देखे नहीं देखे अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ा, जैसे अफगानिस्तान इंग्लैंड से लड़ा, जैसे नीदरलैंड न्यूजीलैंड से लड़ा, और ऐसे लड़ेंगे जैसे भारतीय टीम विरोधी होकर लड़ रही है। और छोड़ेंगे नहीं, जब तक सत्ता का एक भवन तोड़ेंगे नहीं, जब तक गरीबों के आंसू पोंछेंगे नहीं, जब तक गरीबों को कुर्सियों पर बिठाएंगे नहीं, जब तक गरीबों के घरों में उजाला करेंगे नहीं, जब तक हम भी ऐसे मतवाले हैं कि रुकेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कुछ साथी जो हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चल के भी आए। श्री भोला चौधरी जी भाजपा से हैं, 2010 से लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने आज आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है। अली अहमद फारूकी जी और मुन्नापुर प्रधान जी डुमरियागंज जन विकास पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी की आस्था व्यक्त कर रहे हैं। धन्यवाद करता और सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं मैं अपने इस आपके लिए कोई शक नहीं है मेरे पास, कोई शक नहीं, कोई बात नहीं। मैं जब घर से चला था 2013 में, नहीं पता था क्या होगा, ये भी नहीं पता था कोई साथ देगा नहीं देगा। कांतीराम साहब की एक ही बात याद थी कि अकेला ही खड़ा हूं,
मंडी में जाने लोग मिलते चले गए और कार वापस आ गया। एक मैं और एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेता सिंह जी और फिर एक आज ये समंदर है। देश के किसी कोने में चले जाओ, प्रदेश के किसी कोने में चले जाओ, जहां जाओ वहां प्यार ही प्यार है। जहां जाओ उन हाथों में उम्मीदें हैं कि कोई तो है उनका अपना दल के लिए लड़ रहा। मैं धन्यवाद दूंगा भाई अब्दुल्ला को। एक जोरदार नारा अभी बताओ कहीं को लगा, मैं दिल में नहीं रखता बोला। मैं दिल में इसलिए रखता हूं, अभी ये दोनों बहुत मेहनत किया इन लोगों ने। अच्छा पहली बार मैंने आपके बोला, मैंने देखा बैनर हम तुम्हें लाई साहब, तुम लोग तो निराश नहीं होना पूरे दिन में। ये हिम्मत हारा, ये बाहर जाके इधर बाहर जाके खड़ा हो गया कि भाई लोग तो चले गए। मैंने उनसे कहा कि दंगे अपराध से क्या होता है, हिम्मत लगती है तादाद से क्या होता है। ये जो यहां टिका हुआ है वो एक एक इतना बहादुर है कि वो अपने कंधे पर बिठा के इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। जितने भी साथी जिस भी क्षेत्र से हमारे रहने में आए, हमारे ग्रुप हमारे घर वाले साथी जहां से भी आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये जानो ये हमारी सबकी लड़ाई, और ये लड़ाई तब तक नहीं होगी जब तक हमारे अंतिम मैदान पर बैठे व्यक्ति को भी स्वाभिमान समान का जीवन नहीं होगी। जब तक देश में महिलाएं शोषित नहीं होती, जब तक आपको बराबरी का अधिकार नहीं मिलते, और जब तक भारतीय संविधान को फिलहाल नहीं होता। लेकिन ये जान लो कि आज लोकतंत्र है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस अपने समाज को इस कमजोर शोषित समाज में भाईचारा पैदा करके और सर्टिफिकेट का बटन दबाने के लिए तैयार करना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि माननीय कांतिराम साहब कहते थे कि जो हुक्मरान समाज होता है उनकी बहन बेटे का अत्याचार नहीं होता, उनके लोग हाथ पहले नहीं होते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हो कि एक ऐसा समय आए कि आप ताकत हो, चाहते नहीं चाहते बताओ, उसके लिए मेहनत करने को तैयार हो गया तो फिर सब भूल जाओ। ये याद रखो कि हमें बुलंदी तक जाना, और फिर मैंने कहा कि ना रुकेंगे ना थकेंगे, और जब तक मंदिर को नहीं पा जाते तब तक लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, और जो अधूरा रह जाएगा वो मेरे आने वाले शेर करेंगे जो अधूरा रह जाएगा। हमारे लड़ाई में क्योंकि मैं समझता हूं मुर्दे बदल सकते हैं, बहुत प्यार से साथ है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो हिम्मत तो नहीं हार जाओ, घर में घर तो नहीं बैठ जाओ। अगर बात करता हूं उससे प्यार करते हो तो तुम भी ताकत से लड़ना, तुम भी ताकत से लड़ना, बिल्कुल हिम्मत उठाना। तुम्हारे कंधों में जिम्मेदारी है, तुम्हारे कंधों में जिम्मेदारी है भारतीय संविधान की रक्षा के। भाग लो क्या साफ दो मिनटों में बताओ, सारी जानकारी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमाना समाज पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी मुकुल सराय चंदौली कन्हैया कुमार जी वर्तमान प्रधान, ये सलमा हमारी हमारे अब तो विखार के अंदर को मान्यता है, ये लिखना इस तरीके से मैं अच्छा कर देता हूं, मैं समझता हूं वो बहन भाई हमारा हमारे साथी है राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन समाज में, उनका भी वो भी मैंने ज्वाइन किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं आपका, आप मेहमान हैं। हाँ सलमा जो प्रांत अंदर है मैं तो कहूंगा मुझे आ गया जिनको भी व्यवस्था ने अपमानित किया उन सबको साथ लेके चलेंगे, तभी तो मानवता की बात आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ऐसी जगह नहीं है
जहां मेरे को पैसे लेने के लिए नहीं आते, कोई ऐसी जगह नहीं मैं नहीं देगा। ये मेरा प्रचार करते हैं हमारे छोटी बहन, जहां भी जाता हूं फिर में ही आ जाती है, कुछ आपको लिफाफा देकर जाती है कि ये मिशन के लिए। आप समझ नहीं सकते हो धन्ना सेठों की पार्टी का मुनाजा हमारे लोग किस तरह से मेहनत से करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।